you प्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जो कथा वाचने जा रहा हूँ ये कहानी नहीं मेरी आप बीती है कभी कभी जीवन में ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी अहितकारी हो जाता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं पैरानॉर्मल विषयों पर रिसर्च करता था या करता हूं अभी भी और बड़े साइंटिफिक ढंग से किसी भी सुपर uh, या पैरानॉर्मल चीज़ों को देखता हूँ एक बार कुछ साधक उज्जैन में बैठकर बातचीत कर रहे थे हम लोग तीन चार लोग थे उसी में एक uh, गुरु भाई की कहानी शुरू हुई तो बताया गया कि एक महिला थी जिस पर जिनका साया था प्रेत का साया था और वो महिला किसी से भी वश में नहीं आती थी तो हमारे गुरुजी और उनके कुछ दो चार शिष्य वो कहीं रुके थे तो वो महिला मिलने आई तो गुरुजी के एक शिष्य ने हिम्मत दिखाया कि वो इस महिला को ठीक कर सकता है अब गुरु कृपा ही केवलम गुरु जी भी परीक्षा लेने के भाव में आ गए उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम सो गए हैं मध्य रात्रि में अचानक उस साधक ने जो उनका शिष्य था उन्होंने गुरु जी को जोर से पकड़ा और फिर आगे का घटनाक्रम पता चला जब गुरु जी सो गए और वो साधक उस प्रेत को निकालने की कोशिश कर रहा था तो प्रेत ने इनको पटक कर इनके छाती पर सवार हो गया और ऐसा वो तीन घंटे तक बैठा रहा किसी भी मंत्र यंत्र से वो ना जाए तो अंत में उस गुरु भाई ने गुरु मंत्र पढ़ा और गुरु जी को स्पर्श किया जैसे ही स्पर्श किया वो जो स्त्री थी वो सीधे उछल करके और दीवार में टकराई इस पर और भी बातें चल रही थी और भी साधक थे मैंने थोड़ा घमंड में आकर बोल दिया ऐसे किसी भी प्रेत को मैं नहीं मानता मतलब मैं मानता हूँ कि मैं इतना सक्षम हूँ नया नया साधक था उस समय इतना पक्का नहीं था नया का मतलब इतना पक्का नहीं था उतना भी नया नहीं था तो इतना पक्का नहीं था मैं <laughs> तो मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे प्रेतों को वश में कर सकता हूँ मेरा ऐसा प्रेत कुछ नहीं कर सकता फिर विषय शुरू हुआ दूसरे ने कहानी सुनाई वो मसानी थे उन्होंने कहानी सुनाया कि एक कोई व्यक्ति था वो जब सोता था उसके छाती पर प्रेत बैठ जाता था और उसको मारने की कोशिश करता था अब इस विषय पे तो एक तो नया साधक उस पर ज्यादा ज्ञान तो मैंने उपहास कर दिया मैंने बोला इसको स्लीप पैरलाइसिस कहते हैं इसमें होता यह है कि शरीर सुप्ता अवस्था में रहती है तो शरीर जब सोती है तो ब्रेन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है क्योंकि ज़रूरत कम होती है तो अगर आप अचानक झटके से उठते हैं तो शरीर उस समय भी पैरालिसिस की स्थिति में रहती है आप सोते हैं तो शरीर को ब्रेन पैरलाइज कर देता है वरना आप इधर उधर गिरते रहिएगा हिलते रहिएगा डुलते रहिएगा तो उसी पैरालिसिस की अवस्था में लोग रहते हैं जिसके चलते हाथ पैर नहीं हिला पाते और क्योंकि सांस कम लेते हैं ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है तो हेलुसिनेशन होता है जो नहीं भी होता है वो दिखता है और सांस कम जाता है तो लोगों को लगता है कि लोग कोई गलत रहा है तो साधक ने बोला अच्छा तुम पक्का तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही होता है मैंने हाँ पक्का यकीन है तुमने कभी ऐसा महसूस किया मैंने मैंने महसूस नहीं किया मुझे होगा भी नहीं ठीक है ये एक अनसेट चैलेंज हो गया वहाँ पर कभी कभी <coughs> सामने वाला हो सकता है कि शक्तिशाली ना दिखे और जो शक्तिशाली होता वो दिखता भी नहीं जो सत्य है तो उस मैंने उस दिन दो गलतियां की एक तो अपनी बड़ाई कर दी कि मुझे कोई प्रेत परेशान नहीं कर सकता दूसरा मैंने उसको गलत ठहरा दिया जो साधक भाई था अपना और मैंने ऐसा मान लिया कि जो मैं जानता हूँ वही सही है और इसके अलावा कोई ये अकाट्य सत्य है इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता जो मेरी गलती थी और जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप किसी चीज़ के बारे में जब तक खुद से उसका अध्ययन ना करो जब तक आप पे खुद ना बीते उस पर हाँ या ना नहीं बोलते बोलते मैं नहीं जानता तो किताबें पढ़ के मैं साधक से लड़ गया उसके बाद हम लोग सब अपने अपने रास्ते मैं घर आ गया मेरे साथ एक घटना बहुत आम थी उस उन दिनों क्योंकि साधना बहुत जोरों पे चलती थी तो जो शक्तियाँ थी ना जैसे मैं सोया रहता था बिस्तर पर तो वो आके मुझे उठाते थे चल जा मैं सोऊंगा मैं सोऊंगी ऐसा और मैं जा कर के सोफे पे सोता था और ये मेरे लिए कोई बहुत मतलब बहुत सोचने का विषय नहीं था ऐसा मेरे साथ हमेशा होता था कि मतलब सप्ताह में छः दिन तो मैं सोफे पर सोता था क्योंकि कोई ना कोई शक्ति मेरे बिस्तर पर सोई रहती थी लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ मेरा नींद टूटा अचानक से मध्य रात्रि के बाद मेरा नींद खुला और मैंने देखा कि मेरे दाहिने ओर मैं जहाँ सोता था उस समय मेरे बाएं ओर खिड़की थी और मेरे दाएं ओर रूम का दरवाज़ा था जो कि मुझसे करीब करीब आठ फीट पर था तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है प्रथम दृष्टिया मुझे लगा कि ये फिर से कोई आत्मा है जिसको कि मेरा स्थान चाहिए सोने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था लेकिन तब तक कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था मैं हिल नहीं पा रहा था बड़ा मन में मुझे एक प्रसन्नता हुआ कि आज तक थ्योरी में स्लीप पैरालिसिस सुना था आज देख भी रहा हूँ और साथ ही सोचा कि नहीं अभी इस समय में मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा कि ये प्रेत नहीं है बल्कि स्लीप पैरालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि दिमाग मेरी बातें नहीं सुन रहा है वो बड़ा बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ और मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये मुझे रोक रहा है मुझे हिलने नहीं दे रहा है मैंने बोलने का कोशिश किया ऐसा मैंने सुना था लोग बोल नहीं पाते मैं बोल नहीं पा रहा था मैं हिल नहीं पा रहा था और मुझमें वो सारे लक्षण थे जो साधक ने बताए थे कि प्रेत बाधा पे ऐसा होता है और मैंने जो पढ़ा था स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है लेकिन मामला था कि मैं मानू क्या कुछ क्षण में वो आकर के मेरे जांघों पे बैठा था जब वो जांग पर मेरे बैठ गया मैं निद्रा में तो नहीं बोलूंगा लेकिन चेतना की अवस्था में पहुंचने वाला था तो मैंने बोला अच्छा अपने आप पे बहुत गुमान था मुझे मैंने बोला ऐसे ऐसे प्रेतों को तो एक मंत्र में मैं भगा दूंगा तो एक मंत्र था जो उस समय मैं बहुत प्रयोग करता था मैंने उस मंत्र को तीन बार पढ़ा और फूंक मारा वो भूत प्रेत भगाने का मंत्र था जैसे ही मैंने फूंक मारा वो प्रेत अपने स्थान से हट गया जैसा मैंने सोचा और मेरे छाती पर बैठ गया जब यह हुआ तो मुझे लगा नहीं ये तो मंत्रों पर हरकतें दिखा रहा है इसका मतलब ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं है ये कुछ है और उसी के साथ वो डेढ़ फुट जैसा जो एक आकृति था वो बढ़ के तीन फुट हो गया बैठे में मेरे छाती पर लेकिन डर नहीं रहा था मैं उस समय भी मेरे दिमाग में यह चल रहा था यह चीज़ क्या है इसको तो आज सिद्ध करके रहूंगा मैंने दूसरा मंत्र नरसिंह का पढ़ा नरसिंह का मंत्र पढ़ने से वो मेरे छाती से उतर के मेरे बाएँ ओर, मतलब मेरे और मेरे खिड़की की ओर बैठ गया और मुझे देख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है वो भाव समझ में आ रहा था मुझे और मैंने दन दनादन जितने मंत्र आते थे पढ़ना शुरू किया कि नहीं इसको तो अभी भगाऊंगा मैं लेकिन कोई मंत्र काम नहीं आया नरसिंह वीर से यह हुआ कि उसने मेरे शरीर को छोड़ दिया लेकिन वो बैठा था मैं तभी भी हिल नहीं पा रहा था मैं तभी भी बोल नहीं पा रहा था और जो मैंने थ्योरी में अब तक पढ़ा था कि क्या ड्यूरेशन होता है स्लीप पैरालिसिस का वो ड्यूरेशन पार हो गया था मतलब ये सिद्ध था कि ये प्रेत है ना कि किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर या फिर जो भी दिमाग में खून नहीं पहुंच रहा है या ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं थी ये प्रेत ही था अच्छा सोचने समझने की शक्ति इतनी बंद गई थी कि ऐसे मंत्रों का मैं प्रयोग कर रहा था जो मैं भी जानता था कि काम नहीं करेगा लेकिन मैं ट्रायल ले रहा था एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र दूसरा मंत्र के बाद तीसरा मंत्र वो स्थापित होकर के बैठा हुआ है कि सिद्ध कर रहा हो कि मैं प्रेत हूं और लो तुम्हारे बगल में बैठा हूं सिद्धराज अब करो क्या करते हो तो। तुम अचानक मती खुली उस दिन के बाद की कहीं से झलक आई एक झलक जैसे कोई फोटो सामने रख करके हटा दिया गया हो वैसा एक झलक आया मुझे और मैंने अपना गुरु मंत्र पढ़ा गुरु को याद किया गुरु मंत्र पढ़ा तीन फूक मारा वो जो साया था वो उठ करके सीधे खिड़की के बाहर कूद गया तो गुरु मंत्र का काफी महत्व है उसके बाद मुझे फिर भी थोड़ा संशय था कि पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है ये सच में कुछ हुआ या फिर स्लीप पैरालिसिस था मैं ज्यादा अंदर तक चला गया देखो क्या पूरा एक विडंबना होता है तंत्र में जब लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है मेरे ऊपर या मुझ पर कुछ नहीं हुआ लेकिन जिस जगह वो मेरे बिस्तर पर बैठा था वहाँ पर राख बोलो या धूल बोलो उसके कन मिले जिसको मैंने झाड़ करके रख लिया अपने पास दूसरे दिन जो मसानी साधक थे उनका फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा और अघोर राज कैसे हो सुना प्रेत आजकल तुम्हें देख के भागने लगे हैं मैं समझ गया और क्यों किया भाई जी ऐसा आपने तो उन्होंने बोला कि देखो पृथ्वी पर महादेव के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया मतलब तो महादेव के बाद कोई ऐसा शक्ति नहीं आया व्यक्ति बोलना गलत है कोई ऐसा शक्ति नहीं आया जो कि बोल पाए कि उसको सब पता है वो पूरा पूर्ण रूप से सिद्ध है तो ये कह देना कि ये होता है ये नहीं होता है और इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ये साधना के मार्ग में गलत होता है तो ये उन्होंने बोला ये मेरा एक अल्प प्रयोग था अपने छोटे भाई को समझाने का कि बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं दुनिया में और ये भी उनमें से एक था फिर उन्होंने बोला अब एक तुम काम करो तुम्हारे बिस्तर में सिरहाना के नीचे एक हड्डी का टुकड़ा रखा है उसको उठाओ और जल प्रवाहित कर दो मैंने बोला ये कैसे आया तो उन्होंने बोला ये वैसे ही आया जैसे कि आपके घर में मैंने प्रेत भेजा था लेकिन डरने का विषय नहीं है मैंने बोला डरता तो मैं ऐसे भी नहीं हूँ तो उन्होंने बोला कि कल रात का रिपोर्ट है मेरे पास <laughs> कि क्या क्या हुआ और फिर सचमुच मेरे बिस्तर के नीचे से वो हड्डी मिली तो उसको प्रवाहित करने के बदले मैंने उसको एक रस्सी में बांध के रख लिया और अब वो गुरु भाई मुझे फ़ोन करें कि आप उस रस्सी को जल्दी मुझे वापस दे दो वो आप हड्डी विसर्जित करो मैं तो समझ गया था ये कि इनका कैद क्या हुआ क्योंकि जो मसानिया गोरी होते हैं वो कैद करके रखते हैं इन चीज़ों को वो मुझे बोल रहे हैं कि आप आपने जो, वो जो हड्डी रखा है उसको अब छोड़ दो उसको जल में डाल दो और फिर दोनों साधकों में कुछ डील हुआ कुछ साधनाओं पे डील हुआ और फिर मैंने उनकी जो वो हड्डी थी वो प्रवाहित कर दी और उस प्रेत को अपने पास से मुक्त कर दिया तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत होता हो होगा अगर हुआ है तो इसको हमेशा गुरु मंत्र को ध्यान रखें गुरु मंत्र को कंठस्थ करें और उससे इन सब दुविधाओं से बाहर हो जाए आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है मुझसे वो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव जिसको अपॉइंटमेंट लेना है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू अघोर तंत्र से डॉट एक्स वाई जेड वेबसाइट है उस पर ले सकता है डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिए और मुझे कॉल कीजिए माँ भगवती आप सभी पे कृपा बरसाए रखे आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश